आज की तारीख हप्पी के घर पे, होम नानी का घर है एक्चुअली। सो गाइस अभी सुबह के 4:30 बज रहे हैं, सैरी मैंने कर ली है। यहाँ हमारी गली खत्म होती है। सो रमजान की 7वीं सैरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चाय रेडी है हमारी, क्योंकि जगने का प्लान है। वैसे मैं इस टाइम पे चाय पीता नहीं हूँ, बट मूड हो रहा है इस टाइम तो पी लेता हूँ थोड़ी सी। ओके गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। और रमजान के लिए दूसरा व्लॉग है, और होपफुली कि आपने जो पहला वाला ब्लॉग है रमजान का वो देख लिया होगा। सुबह के बज रहे हैं अभी 4 और सहरी का टाइम शुरू हो चुका है, और मैं बहुत लेट उठा हूँ एक्चुअली, देर हो गई है। तो मैं जा रहा हूँ सहरी करने के लिए, सहरी की तैयारी कर लेता हूँ। अम्मी को भी उठाना है और बहुत देर हो गई है, इसलिए अब मैं चलता हूँ इसे अब सहरी पर स्टार्ट करते हैं और इस ब्लॉग को यहाँ से शुरू करते हैं। 4 बजने उठ जाएँ आप लोग, 4 बज रहे हैं। आज फिर भूल गया। एक्चुअली हुआ क्या मैं बताता हूँ आपको, आज मेरी आँख जो खुली है वो 4:45 खुली है, जिस वजह से बहुत देर हो गई। पर ये चावल मुझे रखना थे पकने के लिए, करीब 2 बजे रखना थे, जो कि मैं नहीं उठ पाया हूँ। एक्चुअली ठंड बहुत है, इसलिए मैंने जैकेट डाल रखी है। और अभी मैंने ये ऑयल डाला है, मस्टर्ड ऑयल, और जिससे मैं पापड़ यहाँ पर अभी फ्राई करूँगा, और तब तक मैं अपनी सैरी स्टार्ट करूँगा। अम्मी को मैंने उठा दिया, और पक्का बहुत डांट पड़ने वाली, क्योंकि 2 बजे चावल रखना थे, और बज रहे हैं 4:45, और 4:56 पर जो है वो सैरी ख़त्म हो जाएगी। ये पहली सैरी जिसमें मैं बहुत लेट उठी हूँ, बहुत लेट उठा हूँ भाई साहब, 4:45 उठूँ भाई। आज तो इतना डर लगा है ना, उसमें क्या बताऊँ। 3:45 हो रहे थे, मुझे लगा कि 4:45 हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा डर गया था। पर शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं रोज़ा नहीं छूटने चाहिए, क्योंकि मैं नहीं छोड़ता हूँ। अगर छूट जाता तो 15 मिनट में तैयारी करना पड़ती, रखता तो फिर भी, बट अल्लाह का शुक्र है कि अलार्म कब बज गए पता ही नहीं चला। सब 5 बार स्नूज होता है अलार्म जो, कुछ पता नहीं चला यार, बट शुक्र है कि मैं उठ गया। सो यही होता है भाई, नींद बहुत खतरनाक चीज़ होती है। पापड़ रेडी हो गए, चावल भी रेडी होने ही वाले हैं, बट बहुत ज़्यादा लेट हो गया था यार मुझे। अभी इस ऑयल में ऑमलेट वगैरह जो भी बन जाएगा, जो भी बचा हुआ है ना, उसमें जो भी बनेगा वो बन जाएगा। मैं पानी की बोतल जो है अपने को भर लेता हूँ, क्योंकि पानी बहुत ज़रूरी होता है। सो गाइस अभी सुबह के 4:30 बज रहे हैं, सैरी मैंने कर ली है। मैं लॉक खोल के जा रहा हूँ बाहर घूमने के लिए। लॉक कर दिया मैंने गेट, और ये देखो बाहर के नज़ारे। यहाँ हमारी गली ख़त्म होती है और वहाँ से शुरू होती है। सो रमज़ान की 7वीं सैरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है, और मैं भी थोड़ा चहल कदमी आने के थोड़ा वॉक करने जा रहा हूँ, क्योंकि सैरी के बाद वॉक करता हूँ। तो चलते सो गाइस, आज है 9वीं सैरी और मैं उठ गया हूँ। हमें जा रहा था एक्चुअली ब्रश करने के लिए, चावल आज भी रह गए। सो अभी करना है मुझे ब्रश, और आ गया हूँ मैं अपने पेशेंट पे। तो मैं ब्रश करने वाला हूँ, और मैंने ब्रश अभी नहीं किया, निकाल के यहाँ रख के ये लिया थोड़ा सा, यूँ करके इसको यहाँ रखा। मैं एक्चुअली फिंगर से ही काटता हूँ। मैंने कभी ब्रश से किया ही नहीं, बहुत कम ही से किया है, और उंगली से करने से बहुत सारे फायदे होते हैं। तो मैंने ये भी अपर डाल दी है, क्योंकि ठंड अच्छी खासी हो रही है इस टाइम। तो चावल आज भी रह गए थे, क्योंकि मुझे इस बात का बिल्कुल आइडिया नहीं था कि चावल जो है मुझे इसका जो चूल्हा होता है मुझे जलाना था, बट मुझे नहीं बताया गया था, आज डांट नहीं पड़ेगी। सो गाइस जैसे कि आप लोग पता है कि इलेक्शन ऑन हो गया है पूरे इंडिया में, पार्लियामेंट का जो इलेक्शन होता है, तो आर्टिकल 14 ही आता है शायद, आचार संहिता लग चुकी है। तो प्लीज़ रमज़ानों में जो भी मुस्लिम लड़के हैं जो बहुत ज़्यादा बाहर घूमते हैं रात में, तो भाई देखो
घूमो, लेकिन अभी है आचार संहिता तो कानून का पालन करने की कोशिश करो, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसा मैंने जैसे कि मैंने सुना है हमारे जो मोहल्ला है वहाँ से जो आगे एक चौराया पड़ता है वहाँ से 8 लोगों को उठाया, ऐसा मैंने सुना है। तो यार देखो ऐसा कुछ मत करो जिसकी वजह से अंदर चले जाओ, और आचार संहिता का जैसे कि मैंने सुना है, आई एम नॉट कन्फर्मिंग दैट, कि एक बार आप उठ गए ना आचार संहिता में इलेक्शन के दौरान, वो भी इतना बड़ा इलेक्शन, तो आप इलेक्शन के बाद ही आओगे फिर बाहर, ऐसा मैंने सुना है। बाकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है कि क्या प्रोसीजर होता है, जो भी है। तो यार प्लीज़ ख्याल रखो यार, ठीक है, 10 बजे से पहले घर आ जाओ, ऐसा समझ लो कि लॉकडाउन है, ठीक है, समझ लो कि लॉकडाउन लग गया, मिनी लॉकडाउन समझ लो उसको, यार मत जाओ और अपना ख्याल रखो। और रमज़ान, आधे रमज़ान हो गए और 11वीं सहरी है आज, और आपको 11वीं सहरी सभी को मुबारक हो। और मैं अभी किचन में ही हूँ और मैं कुछ फ्रूट्स वगैरह खा रहा था, क्योंकि मैं फ्रूट्स खाने से थोड़ा मुझे अच्छा लगता है दिन में, तो फ्रूट्स वगैरह खाएं। और बाकी पानी की बोतल एक मैं पी चुका हूँ 1 लीटर, और बाकी 3:30 हो चुके हैं रात के, मैं लोगों को उठाऊँगा, लट्टू को और अम्मी को उठाऊँगा सहरी के लिए, और क्योंकि टाइम पीछे आता है कम होता है, आज 4:50 पर सहरी ख़त्म हो जाएगी, यानी कि 4:55 से हमारा रोज़ा स्टार्ट हो जाएगा। तो चलते फिर और शुरू करते हैं ये सहरी। तो ये है वो प्लेट जिसमें फ्रूट्स थे, ये वो पानी की बोतल और है जो जिसमें 1 लीटर पानी आता है, जो कि मैं 1 लीटर यहाँ से लेके यहाँ तक पी चुका हूँ, और इसमें जो है वो बूंदी है, और इसमें जो है इसमें क्या है, इसमें बिरयानी है, और बिरयानी का जो कलर है वो मम्मी ने बहुत ज़्यादा मसालेदार बनाई है। इसमें चाय बनेगी, कि मुझे लिज्जत पापड़ बहुत ज़्यादा पसंद आता है, लिज्जत वालों को बहुत अच्छा पापड़ बनाते हो यार, उड़द की दाल का प्योर मसाले वाला ना ऊपर से डालना पड़ता है, बहुत ही अच्छा बनाते हो, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है लिज्जत का। बाकी भी अच्छे होते हैं, बस उसमें बेसन होता है, पर लिज्जत में क्या होता है ना, उड़द की दाल होती है तो वो ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो पहले मैं अभी पापड़ फ्राई करूँगा क्योंकि मेरा मूड हो रहा है बहुत ज़्यादा। ये वही पापड़ है जिसकी मैं वही बात कर रहा था, लिज्जत, ये प्योर उड़द की दाल से बना हुआ होता है। फ्राई पैन नीचे है, अब मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ, और फ्राई पैन ये देखो ये फंसा पड़ा है यहाँ पे, नो, तभी मैं इसको फ्राई करूँगा, क्योंकि आई जस्ट लव लिज्जत, लव यू। ये मैंने रिफाइंड ऑयल लिया यहाँ पे, जो ऑलरेडी जो है वो पक चुका है, ऑलमोस्ट पक चुका है, और ये है अपने लिज्जत के पापड़। बाकी अपनी बिरयानी भी रेडी है, और इसमें फ्रूट्स से जो मैं खा चुका हूँ, ये पानी की बोतल 1 लीटर पीऊँगा, और फिर लास्ट में पीता हूँ मैं चाय, लव टी। सो गाइस ये है पीछे जो देख रहे हैं आप ब्लू वाला, वो है मेरी नानी का घर है। एक्चुअली आज 11 बजे रोज़ा है और इफ्तारी में रह गए हैं 20 मिनट्स। तो नानी के घर के सामने कुछ इस तरीके से यहाँ पर खेत हैं, ये भी हमारे नाना के ही लगते हैं एक्चुअली, तो ये सारे नाना के ही लगते हैं, और वो लड्डू खड़ा है, और दिस इज़ मी एंड एक्सप्लोरिंग दिस ब्यूटिफुल नेचर। ऐसी जगहों पर जब भी मौका लगे तो आ जाना चाहिए, यू नो, क्योंकि इंजॉय करना चाहिए इन चीज़ों को। यहाँ मुझे लग रहा है ये या तो वो धान है या फिर गन्ना है, क्या है आई डोंट नो, और वो तो जंगली पेड़ हैं, और ये इस तरीके की मतलब वादियाँ मुझे बहुत पसंद है सीरियसली, और ऐसी वादियाँ सबको पसंद होना चाहिए। सनसेट हो चुका है ऑलरेडी, ऑलमोस्ट हो चुका है, और इफ्तार में रह गए हैं 10 मिनट, तो मैं अब चलता हूँ अंदर नानी के घर पर, क्योंकि आज नाना की बरसी है तो यहाँ पर आए थे। तो एक बार फिर से देख लो कितना प्यारा लग रहा है, इसका मैं एक फ़ोटो लेके जाऊंगा एक्चुअली। तो चलते हैं फिर और तारीख कर लेते हैं 11 बजे की, ठीक है, मिलते हैं सहरी 12। अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो आज है 12वीं सहरी, और जैसे कि आपको पता है कि मैं पिछले साल जो है वो डेली ब्लॉग लेकर आता था रमज़ान के, बट अभी नहीं आ पा रहे, अभी मैं वीकली लेकर आ रहा हूँ। तो आज है 12वीं सहरी, और जैसे कि मैंने कहा था अभी मिलूँगा आपसे, और आज के जो चावलों का जो सीन है ना, ये अम्मी की मिस्टेक से हुआ है। इसमें क्या हुआ एक्चुअली, इन्होंने एक्चुअली मुझे नहीं बताया कि भाई आपको जो है वो चावल बनने रखने, अभी मुझे बताया तो मैंने अभी रखे,
तो मेरी कोई मिस्टेक नहीं भाई साहब। तो बारहवीं सहरी है और रमजानों का जो ये महीना होता है ये बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से निकल जाता है। तो गाइस आज थी 13वीं सहरी और सहरी वगैरह करके बैठ गए हैं कि कल जाना है अपने के घर पर पूरनपुर, क्योंकि ईदी लेके जाना होता है। और मैंने कुछ चॉकलेट्स के डिब्बे लिए हैं तीनों बच्चों के लिए, मतलब मैंने नहीं किसी और ने लिए हैं, बाकी आप समझदार हो कि किसने लिए, मेरा अपोजिट कौन है आपको पता है, तो उन्होंने भेजे हैं तो मैं इन तीनों को दूँगा जाके चॉकलेट्स के डिब्बे जो होते हैं और मज़ा आएगा। तो ये हमारी बोतल रखी हुई है एक्चुअली, तो ये मुझे अभी पीना, टाइम रह गया है कम, और मैं अभी चलता हूँ पानी वानी पी लेता हूँ और मिलता हूँ आपको कल पूरनपुर में। आज की इफ्तारी अप्पी के घर पे, सो दिस इज़ द पैक, ये गिफ्ट्स हैं एक्चुअली तीनों के लिए, हमीदा खारे हुसैन के। चलो रेडी। हाँ ये बहुत भारी भाई साहब, पकड़ लो से। आए 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 आए, क्या हुआ, बहुत बुरा लग रहा है क्या हम है? तो हमने ये सामान रख दिया गाइस और अप्पी के यहाँ दिखतारी है। चलो इसको घुमा लो बाइक, गाड़ी को धीरे से करूँ इसको, कैसे हो रही। तो यहाँ पे सफाई वफाई हुई है, गाड़ी की धुलाई हुई है। 3 बज जाएंगे आज, 3:33 हो गए। मेरा मोबाइल कहाँ है मेरा? अच्छा हाथ में तो है, चलिए आइए जल्दी। मोबाइल है तेरा? आई फोन है, फोन फोन ले लिया अपना, मना कर रहा है। तो आज मैंने स्पैक लगा लिया, अभी से अभी सुबह से लगाया ही नहीं था, मुझे बारिश का माहौल बनने लगा है अभी। बादल आ गए, ये बढ़िया हो गया, बारिश हुई है बाद रात में, ट्रैफिक बहुत काफ़ी कम है, कल ज़्यादा होगा। आज ट्रैफिक कम कुछ नहीं पता ना कहाँ से आज पूरा ही बंद कर दिया। सो गाइस रात के 9 बज रहे हैं और हम आए यहाँ पे चाय पीने के लिए पवन स्वीट्स पर, और पूरनपुर से भी आए ले हो भाई। ओह माय गॉड, तो चाय पीने आए थे, चाय भी नहीं है यहाँ पर, आज होली भी चल रही है। तो यहाँ पे पोपट हो गया, चाय नहीं मिली।